वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की एक्सपर्ट अपडेट। तो आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको यूट्यूब पे किसी और वीडियो में जो है या किसी और चैनल पे जो है आपको मिल सकेगी, ठीक है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रिंगनेक और अलेक्जेंड्रा इनकी ब्रीडिंग प्रिपरेशन की। तो ये तो आपने सुना होगा कि ब्रीडिंग की तैयारियाँ शुरू होती हैं, शुरू करनी पड़ती हैं, या इसके अलावा आपने तैयारी प्रिपरेशन जो है अच्छी नहीं करी, इस वजह से ब्रीड नहीं आई है, ठीक है। तो बेसिकली प्रिपरेशन होती क्या है, किस तरीके से की जाती है, तो आज हम इसी बारे में जो है बात करने वाले हैं। वीडियो पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँगी, स्किप करके प्लीज़ मत देखिएगा। अगर आप लोगों ने अच्छी ब्रीड लेनी है इस साल तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है केज साइज़, ये बहुत अहम है, हम इस चीज़ को नोटिस में नहीं लेकर आते हैं, बस मेल फीमेल ली एज कंफर्म किया और हमने केज में डाल दिए, ठीक है। लेकिन रिंग नेक का जो है केज साइज़ अगर अच्छा होगा तो ही वो अच्छी ब्रीड करेंगे। छोटे बर्ड्स का नहीं होता है इतना मसला, क्योंकि छोटे बर्ड बजेस वगैरह जो है वो छोटे केज में भी ब्रीड कर लेते हैं, ठीक है। ये केज जो है 1.5x1.5x3 का केज है, जो कि रिंग नेक के लिए मुनासिब है, ठीक है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा साइज़ है, मगर मुनासिब साइज़ है, सही साइज़ है कि रिंग नेक जो है इसमें आराम से ब्रीड कर सकता है, आराम से फ्लाइंग कर सकता है, ठीक है। तो मैंने भी जो है 1.5x1.5x3 का केज रखा है और हर साल जो है मैं इसी में ही ब्रीड लेती हूँ। अच्छा, छोटे बर्ड जो है वो तो छोटी जगह पे, छोटे सेटअप पे, और इसके अलावा जो है छोटे केज में भी हम आराम से इसमें ब्रीड ली जा सकती है, ठीक है। बड़े केज में यानी अगर हमने रिंगनेक या अलेक्जेंड्राइन रखे हुए, तो आपने जितनी बड़ी उनको जगह दी है वो उतना ही ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, उतनी अच्छी जो है अपने आप को कम्फर्ट महसूस करते हैं और अच्छी ब्रीड करते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा रीज़न होता है अच्छी ब्रीड ना आने का, केज साइज़ जो है हमारे पास अच्छा नहीं होता। अच्छा, जिनके रिंग नेक के जो पिछले साल जिन्होंने ब्रीड नहीं ली है, ठीक है, वो इस चीज़ को, इन टिप्स को जो है नोट कर लें कि क्या कोई ऐसी गलती तो नहीं थी जो आपने की हो, इसकी वजह से आपके पास ब्रीड ना आई हो, ठीक है। तो केज साइज़ की तो हमने कर ली है बात। अच्छा, इसके अलावा बॉक्स की अगर हम बात करें तो देखिए रिंग नेक और अलेक्जेंड्राइन के अलग अलग बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो रिंग नेक या अलेक्जेंड्राइन का जो भी आप बॉक्स लगा रहे हैं, लोग जो है वक्त से पहले बॉक्स लगा देते हैं, यानी अभी जुलाई का महीना समझे आप, अभी आज 28 तारीख है, ठीक है, तो अभी जो है तकरीबन ख़त्म हो गया है। लोग ये देखेंगे कि बारिशें हो रही हैं, हमारे जो है ब्रीडिंग सीजन तो शुरू ही होने वाला है, तो क्यों ना बॉक्स लगा दिया जाए, तो अगस्त में जो है बॉक्स लगा देंगे। तो ये गलती भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमारे सेटअप पे यानी जब बॉक्स लगे हुए होते हैं तो जो पेयर का रुझान होता है, उनका इंटरेस्ट होता है ब्रीड की तरफ, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा होता नहीं है कि बर्ड जो है वो ब्रीड पे लगे, ठीक है। तो इस वजह से हम बॉक्स पहले लगाने की वजह से जो है उनका रुझान कर देते हैं ख़त्म, यानी उनका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है ब्रीड की तरफ से। तो नॉर्मली जैसे मेल और फीमेल जो है बॉक्स में आना जाना शुरू कर देते हैं, फीमेल भी जो है जब आप सेटअप पर जाते हैं तो डर की वजह से जो है वो बॉक्स में जाके बैठ जाती है, हमें लगता है कि शायद ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया है, हमारी फीमेल बॉक्स के अंदर ही रहती है, तो अभी तक जो है एग्स क्यों नहीं आया है, इस वजह से हम परेशान होते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी वजह होती है कि बॉक्स जो है आप पहले से ना लगाएं, तकरीबन 1.5-2 महीना पहले से हम बॉक्स लगाते हैं। अच्छा, 1.5-2 महीना पहले बॉक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मेल का रुझान जो है वो ब्रीड की तरफ होता है, ठीक है। तो मेल फीमेल जब ब्रीड करते हैं, ब्रीड के लिए तैयार होते हैं, तो वो बॉक्स में जो है वो नेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेस्टिंग के लिए उनको कम अज़ कम 1 मंथ लगता है, ठीक है, 1.5 महीना उनको चाहिए होता है बॉक्स की सेटिंग करने में, इसके अलावा जो है नेस्टिंग की जो है वो सेटिंग करने में इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी वजह होती है कि बॉक्स जो है आप लोग पहले से ना लगाएं। अच्छा, अगर इसके अलावा अगर हम बात करें इनके मल्टी वाइटामिन की, तो मल्टी वाइटामिन की कमी की वजह से भी ब्रीड सही नहीं आती है, यानी अगर आपने केज साइज़ रखा हुआ है, बॉक्स भी आपने 1.5 महीना पहले लगा दिया है, बाज़ दफ़ा जो है यानी पिछले साल ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी कि पेयर जो है वो मीटिंग कर रहे हैं मगर ब्रीड नहीं आ रही है, यानी कि 2-2 मंथ हो गए थे उसके बावजूद जो है फीमेल ने एग्स नहीं दिए थे। तो ये मल्टी वाइटामिन और कैल्शियम की कमी की वजह से, और बहुत ज़्यादा कमी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है, या फीमेल कम एग ले करती है, ठीक है। तो मल्टी वाइटामिन की मेडिसिन जो है मैंने विमिनल आप लोगों को बताई थी। अच्छा, विमिनल जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को नहीं मिली है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो है ये आराम से अवेलेबल है, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर इंडिया के भी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि कराची के भी कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको विमिनल ईजिली मिल गई है, ठीक है। तो आप जो है आराम से जेल चौरंगी से, वहाँ से बर्ड्स की शॉप है, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी बड़ी बर्ड्स शॉप से जो है ये आपको आसानी से विमिनल मिल जाएगी। अगर फिर भी पॉसिबल ना हो तो आप ओमनीवेट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ओमनीवेट जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, इस वजह से मैं अलग अलग डिफरेंट तरह की मेडिसिन आप लोगों को इसलिए बताती हूँ ताकि जिसकी जो रेंज में आए वो इजीली ख़रीद ले। ओमनीवेट आप ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अच्छा, इसके अलावा वीटासॉल जो है ये भी यूज़ करवाई जाती है, ये तकरीबन ब्रीड से कुछ टाइम पहले जो है हम वीटासॉल देते हैं, ठीक है। छोटे बर्ड्स का जैसे कि ब्रीडिंग सीजन हो गया है स्टार्ट अगस्त से, तो उनको वीटासॉल जो है वो दी जा सकती है। इसका तरीक़ेकार क्या है, आप ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी से वीटासॉल नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं प्रॉपर जो है। मैं इसकी, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वीटासॉल के ऊपर ही बनाऊँ, क्योंकि
फेस पे भी रिक्वेस्ट आई थी, अगर हम विमरल यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि अगर हमारी रेंज में नहीं आ रही या इसके अलावा जो है हमारे एरिया में नहीं मिल रही है, तो हम कौन सी मल्टीविटामिन यूज़ करें, ठीक है। तो वीटासॉल के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आप लोगों को मिलेगी। अच्छा, छोटे प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, तो बिल्कुल हम जो है इस टाइम पर यानी वो चीज़ें बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं जो उनके लिए अच्छी हों, यानी ठंडी चीज़ों का जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो हम दे रहे थे बर्ड्स को, उसका रुझान थोड़ा सा कम करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम गर्म चीज़ें दे देंगे या एग्स अंडे देना शुरू कर देंगे दाने में मिलाकर, या इसके अलावा जो है हम उनको बॉयल एग्स दे रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो है ये चीज़ें हमने नहीं देनी है, मगर इसके अलावा जो जो वेजिटेबल्स हम ठंडी इनको दे रहे थे वो अब हम थोड़ी सी कम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ कराची में जो है अब गर्मी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कम, बारिश है अल्हम्दुलिल्लाह, वेदर बहुत अच्छा हुआ है, तो ठंडी चीज़ें ज़्यादा देने की वजह से बर्ड्स को जो है वो नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, ठीक है, फ्लू हो सकता है। तो इस वजह से नॉर्मल जो हम दे रहे थे वही चीज़ें देंगे, यानी धनिए का इस्तेमाल हम थोड़ा सा कर देंगे कम, ठीक है। खीरे का इस्तेमाल हम कर देंगे थोड़ा सा कम, क्योंकि इसकी तासीर होती है थोड़ी सी ठंडी, ठीक है। इसके अलावा तमाम फ्रूट्स जो है हम देंगे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि बनाना जो है वो नहीं दिया करें, सर्दी हो या गर्मी हो, बनाना जो है हमारे बर्ड्स के लिए नुकसानदेह होता है, तो हम सारे फ्रूट्स देते हैं सिवाय बनाना के अलावा, ठीक है। अच्छा, सब्ज़ियाँ जो है हम उसी तरीके से देंगे, यानी कि हम डेली बेसिस पर नहीं देंगे, डेली सब्ज़ियाँ देने से जो है वो बर्ड्स को नुकसान थोड़ा हो सकता है, ठीक है। पालक जो है आप डाल सकते हैं, मगर पालक जो है हफ्ता 10 दिन में एक दफ़ा डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयरन होने की वजह से जो है बर्ड्स में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो हफ्ता 10 दिन में आपने पालक डाल दिया, इसी तरीके से शेड्यूल आप बना सकते हैं। तो ये पूरी प्रिपरेशन जो आज मैंने आपको बताई है, इसी तरह से जो है वो दी जाती है। मेडिसिन हम अगस्त से बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे, जिसमें जो है कैल्शियम की मेडिसन्स होंगी, साथ ही जो है मल्टीविटामिन्स होंगे, ठीक है। इसकी कुछ मेडिसन मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी। कुछ जो है हम इस तरह की चीज़ें इनको फराम करेंगे बर्ड्स को, जो हमारे केज में जो है बर्ड्स अच्छे से रहें, हमारे सेटअप पे अच्छे रहें, ठीक है। अच्छा, जो जो लोग सेटअप लगाने का सोच रहे हैं वो बिल्कुल अभी से जो है वो बर्ड्स अपने परचेस कर लें, ठीक है। क्योंकि बर्ड्स को आपके सेटअप पे सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने लेकर आए हैं और फौरन से आपने उनको बॉक्स दे दिया है और फौरन से जो है वो ब्रीड भी कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है मानूस होने में आपके सेटअप पर। और साथ ही अगर आपने दूसरे बर्ड्स भी रखे हुए हैं तो आपका जो बर्ड्स हैं वो जल्दी सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, और कोई नॉलेज आपने लेनी हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।